हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है कि हम लोग जाने वाले हैं कुछ टॉप 4 ऐसे प्लेसेस जहाँ पे हम लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो जो पीछे नॉइज आ रहा है, ये कोई रोड से हॉर्न मार के जा रहा है ट्रक का, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो हम लोग आज जाने वाले कुछ टॉप 4 प्लेसेस ऐसे जहाँ पे हम लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो चलिए सीधे मिलते हैं आपको अपने पहले डेस्टिनेशन। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर सिंगलान। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सिंगलान है पीछे। ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका प्रॉपर ब्लॉग जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये आएगा इसका प्रॉपर ब्लॉग हम लोग के चैनल पे। स्टे ट्यून रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, तभी हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये सब रात में भी ये सब नहीं जलता है। अभी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी लाइट वाइट भी नहीं लगा है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठते हैं और हम लोग अपने ज़्यादातर टाइम यहाँ स्पेंड करने आते हैं शाम के वक्त। अभी बस हम लोग ऐसे आपको दिखा देते हैं, ज़्यादा सिनेमैटिक इसमें नहीं रहेगा। जब इसका प्रॉपर ब्लॉग आएगा उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, देखिएगा उसमें अच्छे से आप लोगों को दिखाएंगे। इधर एक बालकनी टाइप है तो हम लोग वहाँ चलते हैं। इधर से गंगा का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। ऐसे दिखाते हैं आपको, ये सब द्वार टाइप का इधर बना हुआ है बहुत सारा। इधर हवा बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये जैसे गंगा का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और वो उधर एक टैंकी वहाँ भी आप लोगों को लेके जाएंगे कुछ देर में। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ के बैल्कनी में। जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं, वहाँ पीछे गंगा है। बहुत सारे लोग सामने यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है, गर्मी का टाइम में ये बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ पर शाम में टाइम स्पेंड करने का। यहाँ हवा बहुत अच्छा चलता है, अभी तो ठंड है थोड़ी। जैसे वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पीछे बोट लगा है। उधर वहाँ देखिए पीछे जहाज घाट है, इसका ब्लॉग आप लोग देख चुके होंगे। अगर चाहे आप नहीं देखे तो हम आई बटन में लिंक दे देंगे, जाके देख सकते हैं आप लोग। इधर दूर से घाट है पीछे, तो वहाँ पीछे जो टैंकी है उसमें भी कुछ देर में आपको लेके जाएंगे। वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है गंगा का। तो चलिए अब चलते हैं। इधर भी थोड़ा सा इधर भी एक प्लेस है सीटिंग, जैसे यहाँ पर आप लोग आके बैठ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम करना चाह रहे हैं उसको कैमरे में नहीं दे रहे हैं। इधर से लॉक्ड है वरना हम लोग इधर से ही जाते हैं। अब हम लोग बाहर जाके फिर से गाड़ी से वापस उधर जाना होगा। तो चलते हैं अब, जब इसका प्रॉपर ब्लॉग आएगा ना, जब ये पूरा बन जाएगा। अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ मिट्टी उट्टी खोदा हुआ हुआ है। जब ये इसका प्रॉपर ब्लॉग आएगा तब आप लोग देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए अभी से ही। तो चलते हैं अब। तो बाइक स्टार्ट हो गया है, हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर बैठे, जैसे कि पीछे देख सकते हैं भैया महफूज ये बाइक चला रहा वाजी। तो हम लोग चलते हैं सीधा वहाँ पर, आपको लेके चलते हैं। सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब। और हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाले हैं। ये रात वो है, यहाँ से जो व्यू आता ना भाई साहब, क्या बताएं आपको। सीधा दिखाते हैं हम लोग अब यहाँ से, देखिए पतली सी गली है, यहाँ से हम लोग जाना पड़ता है। उसके बाद थोड़ा ये मतलब रिस्क वाला सीन है इधर। वो कहते हैं ना, रिस्क है तभी इश्क है। तो चलिए थोड़ा रिस्क, जिसका जान में डर है वो इधर ना ही आए तो सही है। वैसे हम लोग यहाँ पर आते रहते हैं कभी कदा। और पीछे एक मस्जिद है, इसका नाम अकबरी मस्जिद है, जो कि हम लोग यहाँ पे जितने टूरिस्ट आते हैं ना, बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है उन लोगों के लिए। वो लोग हमेशा इधर आते हैं, जो कि कहते हैं कि अकबर द्वारा बनाया गया है। और यहाँ का व्यू का तो हम क्या ही बताएं। आइए आपको दिखाते हैं इधर, यहाँ से आपको सीधा यहाँ वहाँ पर सिंगी दलान दिखाई देता है। यहाँ से पीछे सिंगी दलान या पूरा सूर्यदेव घाट, इसका नाम सूर्यदेव घाट है। अगर आपको इसका ब्लॉग चाहिए तो हम लोग इसका बना सकते हैं।
पूर्णिमा माघी पूर्णिमा मेला के समय में एक मेला आता है हम लोगों का यहाँ में। यहाँ में बहुत सारे जो संथाल परगना के जितने आदिवासी लोग हैं यहाँ पे पूजा करते हैं गंगा पूजा। तो ये जो इसके देखिए अंदर बहुत सारे यहाँ पर मशीन वशीन लगा हुआ है क्योंकि ये एक टंकी है। यहाँ से पूरा राजमहल में हम लोग वाटर सप्लाई होता है जो कि खाना वाना बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जैसे कि ये रहा वहाँ सिंगलान पूरा आपको नज़ारा दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये हमारा राजमहल है, हमारा आन बान शान, यही हमारा सिंगी दलान। ये देख सकते हैं हमारा सिंगी दलान जो बहुत ही पुराना है और ऐतिहासिक भी है और बहुत से बाहर के पर्यटक आते हैं, फॉरेनर सब आते हैं यहाँ पर। अभी लॉकडाउन की वजह से अभी कोरोना वायरस की वजह से इसलिए नहीं आ पाए यहाँ, इसलिए अभी उतना भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन अक्सर यहाँ पर आपको फॉरेनर नज़र आएंगे। और वो देख सकते हैं आप वो जहाज़ घाट जहाज से आप ये जहाज़ पकड़ के आप डायरेक्ट झारखंड टू बंगाल पहुँच जाएंगे। ये झारखंड और बंगाल का ये नदी जो है ये बॉर्डर है, इससे आप ये एक जरूरी बॉर्डर है और इससे बस आप जहाज़ पकड़ेंगे और सीधा आपको उधर वेस्ट बंगाल पड़ जाएगा जो मानिक चौक घाट के नाम से जाना जाता है। इधर से आप जहाँ मालदा जा सकते हैं। और ये देखते हैं चर, ये एक तरह का बॉर्डर है। यहाँ पर बस खेती भी होता है कुछ। बहुत सारे लोग उधर जाके बस चुके हैं, मतलब प्रॉपर बसे नहीं, उधर खेती वेती करते हैं लोग बहुत सारे। तरबूज उरबूज जैसे होता है ये सब होते रहते हैं, उगाते हैं उधर। इधर आते हैं यहाँ पर अपना ज़्यादातर यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर यहाँ का कुछ फीलिंग ही अलग है, यहाँ के वाइब्स ही अलग है। यहाँ बैठने में मज़ा सा आ जाता है, हम लोग टेंशन फ्री हो जाता है यहाँ में आदमी लोग आने से। तो चलिए अब आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं जो क्या अगला हमारा लोकेशन होने वाला है। अगर आप लोग हम लोग पिछले ब्लॉग से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग कुछ समझ ही जाएंगे, वहाँ आपको हम लेके चलते हैं, आप लोग समझ जाएंगे अगर आप लोग हमको हम लोग पिछले ब्लॉग से फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए सीधा वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि आप लोग कैसा लगता है वो जगह। कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये जगह कैसा लगा। और हमारे राजमहल में ऐसे बहुत सारी जगह है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अगर आप हम लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो कृपया लाइक करके जाइएगा। तो चलिए चलते हैं। डेस्टिनेशन तक पहुँच ही गए हैं, तो हम लोग यहाँ अपना बाइक उतारना है चक्रीले रोड में। देख सकते हैं यहाँ पर कच्चा रोड, तो यहाँ से सीधा जाएंगे। कुछ लोग आ रहे हैं आगे से, तो सीधा आपको आगे मिलते हैं। यहाँ हम लोग गाड़ी से आगे नहीं जा पाएगा, सीधे चलते हैं अब यहाँ से चल के। उधर रहा हमारा डेस्टिनेशन, यहाँ पर हम लोग इससे पहले भी आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे कई बार। और गाइस यहाँ पे सबसे पहला ब्लॉग बना था नवेद का, जो कि उसका पहला ब्लॉग था हमारे चैनल पे, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे ऊपर कहीं पॉप अप होता मिल जाएगा। वो वीडियो भी गाइस बहुत ही बॉम्ब था, वो मेरा पहला वीडियो था जिसमें मैं अच्छा सा अपना मतलब अपना बेस्ट नहीं दे पाया था। तो अभी वाला थोड़ा थोड़ा अभी आदत पड़ चुकी है कैमरा के सामने बोलने की। बॉम्ब बोलता है, बॉम्ब क्या होता है? आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं। तो हम लोग अब सीधा चलते हैं वहाँ पर और दिखाते हैं हम लोग ये फेवरेट प्लेस क्यों है, क्यों हम लोग अपने वीडियो में इसको ऐड किए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम, जल्दी आओ। देखो सांप अब आगे नहीं बोले तो सही रहेगा।
गुफा देख सकते हैं आप, नहीं है इसमें हाथ में सीधा था। ये गुफा, अगर इस गुफा के बारे में आपको जानना है तो आप हम लोग इसे जो आपका ब्लॉग का जो लिंक डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना है। इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं पूरे अपने ब्लॉग में, तो अगर हम अभी इसके बारे में बताने लगे तो ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी, यानी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताएंगे। हम लोग किस कारण से यहाँ आए हैं वो अपने वीडियो में ऐड किए हैं। देखिए हम लोग वीडियो बनाते बनाते कहाँ घुसते चले जा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, इसी की वजह से हम लोग इसको अपना वीडियो में ऐड किए हैं। टॉप 4 बेस्ट प्लेसेस ऑफ राजमहल लोगों का वीडियो आप लोग टाइटल सुनने से समझ ही गए हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं, जो पीछे का व्यू जो आप देख रहे हैं ना, बोले तो बॉम व्यू है, बॉम। तो अभी बज रहे हैं 3-4 दिन दोपहर के, अगर आप लोग यहाँ 5 बजे के करीब आइएगा ना तो सनसेट देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ से। कतई जहर जहर बोले तो खतरनाक सनसेट होता है यहाँ से, दिखा देता है, और बहुत ही ऑसम व्यू है यहाँ के वाइब्स अलग ही है, जैसे वहाँ का था ना वो जो हम आपको लेके गए थे उधर टैंकी की तरफ, इसी टाइप से थोड़ा ये भी जगह है। और हम लोग अपना निकलते हैं दूसरा डेस्टिनेशन की तरफ, तो चलिए निकलते हैं सीधा वहीं पर। हम लोग निकल चुके हैं अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ। आपको आवाज़ आ रही होगी नहीं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा, बस हम लोग अपना डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग एक गली है सामने, अंदर जाना होगा वहाँ से, उसके बाद सीधा आपको वहाँ जाके दिखा। हाँ गाड़ी इधर उधर लगा दे, घर के पास लगा दे, घर के पास उधर गाड़ी भी लगा हुआ, उधर से चलेंगे सीधा आप लोगों को हम लोग वहीं पे मिलते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, ये हमारा थोड़ा हम लोग आगे जाके दिखाते हैं थोड़ा। चलिए मेन चीज यहाँ नहीं है, मेन चीज आगे, चलिए चलते हैं सीधा। यहाँ पर संभल कर चलना पड़ रहा है, यहाँ पर घास से गड्ढे छिप चुके हैं, कब कहाँ पैर पड़ जाएगा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए चलते हैं हम लोग थोड़ा नीचे देख के चलते हैं। गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं, या आप लोग देख समझ में आ गया अगर हम लोग खेत में हैं। तो हम लोग यहाँ इसलिए आए क्योंकि यहाँ में बैठने में थोड़ा नेचर से हम लोग कनेक्ट होने आते हैं इधर, या फिर ऐसे बोलते हैं ना ज़्यादा घर में बैठ गए तो इधर फोटो शूट भी इधर हम लोग करने के लिए आते हैं। और आप लोग अगर राजमहल में रहते हैं या फिर आए यार कभी तो यहाँ आ सकते हैं। यहाँ तो अभी फिलहाल सरसों लगा हुआ है, इधर पीछे सनसेट जब होता है तो बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा बनता है इधर, जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं वो सब जो बना हुआ है वहाँ आके हम लोग बैठते हैं। और इधर एक पीछे आप लोग देख रहे हैं कुछ लड़के खड़े हैं हमारे दोस्त, तो पीछे वहाँ में भी एक वैसा बना जहाँ जैसा आपको दिखाए हम हो रहा है। और वहाँ में जो नाला जैसा हम लोग आपको सीधा वहाँ जाके दिखाते हैं, नाला जैसा है क्योंकि पहले यहाँ में वाटर सोर्स हुआ करता था, अभी तो जैसे कि उधर एक तालाब है तो वहाँ से मोटर के थ्रू यहाँ पर पानी पटाया जाता है, यानी यहाँ पर स्प्रिंकल किया जाता है। पहले इसके थ्रू यहाँ पर पानी खेतों में दिया जाता था, जैसे कि आप लोग देख ये रहा जो कि अभी पूरा तरीके से टूट चुका है, और पीछे सूरज चरम सीमा पर है यहाँ। मतलब हम लोग यहाँ पर झारखंड में मतलब राजमहल में बहुत सारे खेत हैं, इसमें से बहुत सारे खेत हैं, हर खेत में अलग अलग चीज़ उगाई जा रही है। जैसे ये कोई साग होता है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये कोई साग होता है, उधर वो एक सरसों का खेत है, कुछ लोग वहाँ पर कुछ वहाँ में उसके बगल में एक और खेत है शायद उन लोगों का होगा, तो वहाँ लोग कुछ वो मतलब उसको उखाड़ रहे हैं शायद, टाइम हो गया उसको। तो चलिए दिखाते हैं थोड़ा सिनेमैटिक इधर का, तो चलिए चलते हैं।
गाइस आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो यही था आज का वीडियो, तो वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों।